पूरे देश के लोग चुनावों के समय पार्टी बदलते हैं, विचारधारा बदलते हैं, वह आम जनता की सोच से भी परे होता है। कौन सा नेता कैसे कब और कहां पलटी मारता है, ये सब तो आप लोग भी चुनावों से पहले देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि देश की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है। अब आप विजेंद्र सिंह को ही देख लीजिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। जो कल तक राहुल गांधी के किए हुए ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे, जिसमें एक महिला पीएम मोदी की मिमिक्री कर रही थी, पीएम मोदी का मजाक उड़ा रही थी, पापा वाले वीडियो तो आपको याद होगी, और अब खुद विजेंद्र बीजेपी में ही शामिल हो गए। भाजपा में शामिल हुए तो हुए, उसके बाद दलीलें भी ऐसी देते हुए दिखे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद पत्रकारों ने उन्हें सवालों के घेरे में घेर लिया। पहले तो वो माइक के आगे बात ही नहीं कर पाए कि आखिर उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, क्योंकि उनके पास कोई खास वजह ही नहीं थी। फिर एक नेशनल चैनल के पत्रकार ने अपने सवालों के घेरे में ऐसे घेरा और पूछा कि कल तक तो आप राहुल गांधी के समर्थन में उनके ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे, जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था, और आज आपने बीजेपी ही ज्वाइन कर ली, ऐसा क्या हुआ? तो आप जानते हैं विजेंद्र सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने रात में ट्वीट किया और मैं सो गया। जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा, अरे ये तो मैं गलत पार्टी में हूँ, गलत जगह पर हूँ, ये सोचकर मैंने बीजेपी को ही ज्वाइन कर लिया। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि जब उनके पास कोई रीजन ही नहीं बचा बताने को, तो उन्होंने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुना दी। वही उनकी इस बात पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि किस तरह की नींद है ये कि उठते ही आपको लगता है कि आप गलत पार्टी में हो और चले गए बीजेपी दफ्तर में भाजपा को ज्वाइन करने। ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी। इसके अलावा विजेंद्र सिंह के कुछ पुराने ट्वीट उठाकर लोगों ने उस पर भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। बता दें बॉक्सर का एक पुराना ट्वीट था जिसमें खुद उन्होंने लिखा था कि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 हज़ार में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो राशन में। और अब लोग इसी पर सवाल कर रहे हैं कि तुमको क्या मिला, पेटीएम मिला या नहीं मिला। वैसे तो जनता का सवाल वाजिब है, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।